तो ताहिर साहब ये हम कहीं ये कोलैप्स ना कर जाए सारी स्टेट, ये आइडिया ये जो जो बचाने का है, क्या हमारी हालत ये कांगो जैसी ना हो जाए? क्योंकि आपके सारे जो फॉरेन नेशनल या आपके जितने जो आपके कैबिनेट और दूसरे लोग बासर लोग हैं, वो हमें प्रॉपर्टियां बेच बेच के अपना करप्शन का पैसा लेके बाहर निकल रहे हैं। पिछले 70 साल में आपके कर्जे कितने थे? 25 ट्रिलियन डॉलर, लेकिन 3.5 साल में अब 40 ट्रिलियन डॉलर है। वैसे मैं थोड़ा सा अर्ज ये करता चलूं कि मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से कराची में 181 का डॉलर बिक रहा है इस वक्त। ये बताएं कि 15 ट्रिलियन के कर्जे ले लिए, टोटल कर्जा जो है वो तो बहुत ऊपर चला गया है, डॉलर जो है वो खड़ा ही नहीं हो रहा। और खान साहब सिर्फ स्पीच के हद तक बहुत अच्छे हैं, हजरत उमर की मिसालें देने के लिए बहुत अच्छे हैं, रियासत मदीना की मिसालें देने के लिए बहुत अच्छे हैं। मैं अफसोस के साथ कहूंगा कि इस वक्त आपकी फॉरेन आप यू आर यू डोंट हैव एनी फॉरेन पॉलिसी। आप अगर दोबारा आपने चाइना के पास जाना हो, और आपको पता है आपके चाइना के साथ हालात खराब होने की एक जो मेन वजह है वो क्या थी? आपने उनसे दोबारा डेट रिलीफ मांगी थी। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी मीडिया के इस वीडियो के अंदर साजिद तदार और कमर सीमा कह रहे हैं, इस समय पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं, लगता है हमें आगे जाके पाकिस्तान कहीं कांगो ना बन जाए। IMF भी नाराज है, ऊपर से चाइना भी नाराज़ है हमसे। इस समय मुल्क में इतनी अफरा तफरी का माहौल है, इमरान खान ने तो हाथ खड़े कर दिए, उसे समझ नहीं आ रहा किस तरीके से हुकूमत चली जाए। और कुछ भी हो सकता है, 1-1.5 साल के अंदर पाकिस्तान का भविष्य बहुत खतरे में नज़र आ रहा है, क्योंकि कर्जा 70 सालों की बुलंद तरीन ऊंचाई पे पहुंच चुका है और इसको कम करने का कोई भी प्लान नहीं है हमारी सरकार के पास। और चारों तरफ से पाकिस्तान इस समय घिर चुका है, ना कोई फॉरेन पॉलिसी है ना कोई डोमेस्टिक पॉलिसी है। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा किस तरीके से मुल्क को चला जाए। एक बाहर से कर्जा ले लेके तो अपनी इकनॉमी अच्छी पॉजिटिव शो कर रहे थे, मगर उस अब तो इतनी हालत ख़राब है कि अब तो इकनॉमी भी ठीक नहीं हो रही। पाकिस्तान का 1 रुपया डॉलर के मुकाबले 181 रुपये पूरी मार्केट में फ्लोट कर रहा है, जिसकी वजह से खाने पीने की चीजें आसमान छू गई हैं। आइए फ्रेंड्स इस वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, इमरान खान साहब की सरकार में जो इस वक्त सबसे बड़ा जो धमाका हो रहा है वो ये है कि इमरान खान साहब ने पिछले 3 सालों में सिर्फ 15 ट्रिलियन कर्जे लिए हैं, 15 ट्रिलियन। और जो उससे भी बड़ा धमाका ये है कि जो डॉलर है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे 176 तो अवाम के हुकूमत कह रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि इससे भी ज्यादा महंगा डॉलर मार्केट में बिक रहा है। इसके लिए बात करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि साजिद तारड़ साहब जो है वो इकोनॉमी के हवाले से और जिस तरह ये जो टॉप एलीट किस तरह ये बोरोड ग्रोथ बाहर से पैसा लेके सो कॉल्ड डेवलपमेंट करवाती है, वो तो इस दफा वो भी नहीं हो रही। मैंने कहा तारड़ साहब से बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर, ये बताएं कि 15 ट्रिलियन के कर्जे ले लिए, टोटल कर्जा जो है वो तो बहुत ऊपर चला गया है, डॉलर जो है वो खड़ा ही नहीं हो रहा, और कहा यह जा रहा है कि ये जो IMF के साथ जो मुजाकरात हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे एडवाइजर साहब कह रहे थे हो गए हैं, वो ना होने की वजह से डॉलर फिर ऊपर चला गया है। सऊदीज ने 4.2 अरब डॉलर का जो हमें तोहफा दिया उसके बावजूद डॉलर नहीं रुका। आप क्या समझते हैं ये क्यों इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी क्यों है पाकिस्तान में? सर, गैर यकीनी सूरत हाल है। चीमा साहब, इस वक्त असल में एक पूरे कंट्री के अंदर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, एक केआस, एक कंफ्यूजन, बदहवासी। लेकिन मेरा जो रिसेंट इसमें मेरी ऑब्जर्वेशन है, उसके जो रिसेंट इसके इम्पैक्ट है, वैसे मैं थोड़ा सा अर्ज ये करता चलूं कि मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से कराची में 181 का डॉलर बिक रहा है इस वक्त। वो जब कहते हैं शिप में हिलजुल होती है सबसे पहले चूहे भागते हैं, तो वो इस वक्त वो अपने डॉलर लेके दुबई और लंदन की तरफ भाग रहे हैं। एक तो वो डिमांड बढ़ गई है, आप बल्कि मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त आपके बासर लोग अपनी प्रॉपर्टियां बेच रहे हैं और जो पैसा इकट्ठा करके भागने की तैयारियां कर रहे हैं, एक तो उसका इम्पैक्ट है। क्योंकि आपके सारे जो फॉरेन नेशनल या आपके जितने जो आपके कैबिनेट और दूसरे लोग बासर लोग हैं, वो हमें प्रॉपर्टियां बेच बेच के अपना करप्शन का पैसा लेके बाहर निकल रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि जो नए कर्जों के बारे में, पिछले 70 साल में आपके कर्जे कितने थे? 25 ट्रिलियन डॉलर, लेकिन 3.5 साल में अब 40 ट्रिलियन डॉलर है। मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से कि वो कहते हैं ना, जिस तरीके से खुल के लोटे डाली गई है, उसके निशानात आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि वो क्या होता है। आप स्टोरियां ऐसी ऐसी सुनेंगे। खास आप सिर्फ स्पीच के हद तक बहुत अच्छे हैं, हजरत उमर की मिसालें देने के लिए बहुत अच्छे हैं, रियासत मदीना की मिसालें देने के लिए बहुत अच्छे हैं,
हालात आपके इस वक्त बिल्कुल आपके लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कोई गवर्नेंस नहीं है, पूरे पूरे कंट्री के अंदर केआस है कि क्या होने वाला है, ये 1.5 साल गुजरेगा, 1.5 महीना गुजरेगा, 1.5 हफ्ता गुजरेगा, ये हालात आपके चल रहे हैं। सो हर साल 2-2.5 ट्रिलियन का ये खसारा होता है, खर्चे कम नहीं हो रहे और दार साहब जो महंगाई है वो ऊपर जा रही है, खर्चे वही ऊपर बढ़ रहे हैं, वो तो ऊपर ही जाने हैं, लेकिन आमदन जो है वही 5-6 ट्रिलियन इसी के करीब है। तो तार साहब ये हम कहीं ये कोलैप्स ना कर जाए सारी स्टेट, ये आइडिया ये जो जो बचाने का है, क्या हमारी हालत ये कांगो जैसी ना हो जाए, कोई जो बनाना रिपब्लिक की मिसालें देती है, अगर इसी तरह पैसे लेने शुरू कर दिए और अवाम ये सवाल कॉन्टिन्यूसली कर रही है कि हुकूमत सर्वाइव नहीं करेगी, तो ये जो परसेप्शन होती है उसकी कोई ना कोई वो रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं तो आती है फिर, तो ये गैर यकीनी सूरत हाल ये क्या बनेगा इस सिनेरियो में? देखिये आपके माजी में मिसालें मौजूद है कि हुकूमतें 5-5 साल अपने पूरे नहीं करती थी, बल्कि कोई 1-2 रजीम जो 5 साल पूरे किए, लेकिन देखे ना इस वक्त हालात आउट ऑफ कंट्रोल नजर आते हैं। कॉमन मैन जो है उसकी जिंदगी, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से पाकिस्तान में मेजोरिटी तबका 2 वक्त के खाने की बजाय 1 वक्त की खा रहा है। आपके साथ 50-50 बंदे कलाशनकोफों वाले, आपका पूरा फ्लीट जो होता है उसको अगर जरब दे तो 1 अरब की गाड़ियां चला रहे होते हैं, नीचे उतरते ही आप कहते हैं कौम को जी पेट पे पत्थर बांधो, आप शुगर चीनी खानी छोड़ दो, आप रोटी की बजाय केक खा लो, तो मेरे पास इस तरह तो लोग नहीं चलेंगे। जब आपने मैंने शायद आपको अर्ज किया था, अगर खान साहब ने अपना मैंडेट डिलीवर किया होता तो आज कौम उनके सामने खड़ी होती चाहे कुछ भी हो जाता, लेकिन खान साहब ने मैंडेट डिलीवर नहीं किया। खान साहब सिर्फ बातों की हद तक, वो भी अपनी, खान साहब की अपनी कैबिनेट उनकी बातें नहीं सुनती, हालात ये है, तो उसमें आके कौम को किस तरह, कौम तो फिर घंटे गिनेगी ना, कौम तो यही देखेगी, कौम को तो रिलीफ चाहिए। बल्कि मेरा एक अलमिया ये है कि अगर इस वक्त खान साहब जाते हैं तो इनकी जगह रिप्लेस कौन करेगा? मैं अफसोस के साथ कहूंगा कि इस वक्त आपकी फॉरन, आप यू डोंट हैव एनी फॉरन पॉलिसी। अब आपने, मैं एक छोटा सा फॉरेन पॉलिसी का ब्लंडर बताना चाहूंगा आपको कि आपको जब सीपैक आपका चल रहा था, आपकी हिमालया तक दोस्ती पहुंच चुकी थी, तो उस वक्त आपने डेफिनेटली नॉट कह के हमारे पास और ऑप्शन मौजूद हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, आपने बर्न ब्रिजेस किए। और जब वो अफगानिस्तान पे चाइना ना आया, जब ग्वादर में उन्होंने थोड़े से बैकफुट पे गए, दासू डैम पे गए, वो सारा कुछ खराबी हुई, आप IMF के कदमों में आ गए। अब मैं एक क्वेश्चन मार्क मेरा ये है कि अगर आप IMF के कदमों में आ चुके हैं तो आपका चाइनीज दोस्ती वो क्या सोच रहे होंगे आपके बारे में? आप अगर दोबारा आपने चाइना के पास जाना हो, और आपको पता है आपके चाइना के साथ हालात खराब होने की जो मेन वजह है वो क्या थी, आपने उनसे दोबारा डेट रिलीफ मांगी थी और उन्होंने रिफ्यूज किया, उसके बाद दासू डैम पे उन्होंने 39 मिलियन मांग रहे हैं, फिर आप उनसे बिजली के लिए पैसा मांग रहे थे, फिर आप रेलवे के लिए पैसा मांग रहे थे। तो ये चीजें दर हकीकत इसमें चीमा साहब आप लीडरशिप का फुकदान है, और ये सारी इनकी खुशकिस्मती है सारा कुछ जो कुछ हो रहा है। और दूसरा ये है कि अभी ये चाहते थे कि चाइना डॉलरों की बारिश करे, हम CPAC को लेकर जाएंगे अफगानिस्तान में और हम बोलियां लगेगी वहां पे, अमरीका भी बोलियां लगाएगा, चाइना डॉलरों की बारिशें होंगी तो बारिश इधर भी आएगी, खुल के दुबई में प्लाजे बनेंगे और लंदन जाएंगे। लेकिन ये फिर अब इस वक्त बुखार चढ़ा पूरा दुनिया की इकॉनमी को कोविड का, और उसमें ये सारा इनका बिजनेस प्लान जो है सारा खत्म होता नजर आ रहा है। असल में सब इस वक्त जो है वो अब वो तब्दीली की बस तो मिस हो चुकी है बिल्कुल, वो अब कोई नई चीज ही आएगी तो आगे चलेगा। पाकिस्तान है स्टॉप्ड, बिल्कुल रुक चुका है इस वक्त, ना फाइनेंशियल सियासी हर चीज रुक चुकी, अदारे बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है, अपनी अपनी डायरेक्शन में चल रहे हैं।